एक और बड़ा अजब फिनोमेना है, जब भी तकब्बुर की बात होती है ना तो लोगों के ज़हनों में ख्याल आता है ये तो अमीर करते हैं, हम तो हैं गरीब, मैं कहां से तकब्बुर करूंगा, वैसे नौकरी वाला आदमी हूं। ये है शैतान का वार। हाँ, उलमा ने तकब्बुर के 8 रीजंस लिखे हैं और उसमें जो माल है ना वो तीसरे नंबर पर आता है, माल पहले नंबर पर नहीं है। तकब्बुर का जो सबसे पहला रीजन है ना वो है इल्म। जब बंदा इल्म सीख लेता है ना तो उसको बाकी लोग जाहिल लगने लग जाते हैं, इनको तो आता ही कुछ नहीं, इन्होंने पढ़ा ही कुछ नहीं है। बड़ी कमाल की रिवायत है, मन قال انا عالم فهو جاهل, जिसने कहा कि मैं आलिम हूं वो जाहिल है। इल्म जरूर सीखे मगर सीखने के बाद किसी और को जिसने नहीं पढ़ा उसको अपने से कमतर नहीं समझना, यही तकब्बुर है। सेकंड रीजन ऑफ तकब्बुर, वो फरमाया इबादत। शैतान बड़ा मर्दूद है, पहले तो इबादत से रोकता है, अब जब इबादत करने लग गया तो अब उसको तकब्बुर में मुब्तला कैसे करता है कि बंदा जब नमाजें पढ़े, रोजे रखे, सदके करे, हैं, तहज्जुद पढ़े, अब उसको बाकी घर के लोग, बाकी दोस्त बड़े हकीर से लगते हैं, यार कैसा आदमी है, मैं तहज्जुद पढ़ता हूं ये तो नमाज भी पूरी नहीं पढ़ता। यू हैव नो राइट, आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि आप दूसरे को हकीर जाने। और ये शैतान का बड़ा खतरनाक वार है कि इबादत गुजार को तकब्बुर में मुब्तला कर देता है। बड़ा प्यारा वाक्य है ना कि एक बार एक बुजुर्ग जो थे अपने बेटे के साथ कहीं सफर पर जा रहे थे, रास्ते में मुसाफिर खाना आया, बाप बेटे भी सो गए, काफले वाले भी सो गए, तहज्जुद का वक्त हुआ तो बाप बेटे उठे, तहज्जुद पढ़ी। तहज्जुद पढ़ने के बाद बेटा वाले साहब से कहता है, अब्बा जान ये कैसे लोग हैं, कोई भी नहीं उठा। अब जो अब्बू जी ने जवाब दिया ना, अल्लाह काश ये बात समझ आ जाए, कब बेटा तू भी सोया रहता तो अच्छा था। बात आई समझ में, अब तूने उठकर तहज्जुद तो पढ़ ली मगर पढ़ने के बाद तुझे दूसरे हकीर लगने लगे, ये बड़ा प्रॉब्लम है। जरूर कीजिए इबादत मगर इसलिए ना कीजिए कि मैं दूसरों से सुपीरियर हूं, शैतान की बड़ी इबादत ही थी जनाब। अब आया तीसरा रीजन और वो है माल। जब पैसा आता है तो इंसान को गरीब अच्छा नहीं लगता है, उसको लगता है मैंने कमाया है, मैंने जनाब ये उरूज हासिल किया है। हमेशा याद रखें, जो कुछ दिया है वो रब ने दिया है, वो जब चाहे वापस ले सकता है। बुजुर्ग बैठे, पूछो इनसे, हमने रातों रात अमीर को कंगाल होते देखा है, ज़कात देने वालों को ज़कात लेने वाला बनते देखा है। इस कोविड ने तो बहुत कुछ लोगों को दिखाया ना, कईयों को उरूज मिला, कईयों को जवाल मिला। चौथे नंबर पर कहा हसब व नसब, बड़ा खानदान, बड़ी फैमिली, पैर ही नहीं देते भाई हमारा खानदान बहुत ऊंचा है, हम तो बड़े खानदान वाले, इसका तो खानदान वो फलां फैमिली से ताल्लुक रखता है। अल्लाहु अकबर, जरा सोचो, मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो तारीखी खुतबा फरमाया था उस वक्त ये शानदार ऐलान किया था कि इस्लाम आया इसलिए है कि अब ये जो हसब व नसब का तकब्बुर है, तफाखुर है, इसको खत्म करने इस्लाम आया है कि कोई कबीला किसी कबीले से अफजल नहीं है, अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब वो है जो ज्यादा तकवे वाला है। मगर आज भी ये बीमारी मौजूद है कि मेरा खानदान ऊंचा, इसका खानदान नीचा, और ये हसब और नसब भी तकब्बुर लाता है। और जो ये हसब नसब पर तकब्बुर करते हैं ना फैमिली वाइज, फिर कभी कभी हमने देखा है ऐसी गलती होती है कि किसी को मुंह दिखाने जैसे भी नहीं रहते, फिर किधर जाता है खानदान। तो कभी इस पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। पांचवा रीजन जो उलमा कहते हैं, ओहदा, मनसब। किसी को कोई ओहदा मिल जाए, कोई मनसब मिल जाए, इंसान फिर तकब्बुर में गिरफ्तार होता है। हालांकि ये ओहदे, ये कुर्सियां, ये चंद दिनों की होती हैं, इस पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। छठा, कामयाबियां। जब बंदे को धड़ाधड़ कामयाबियां मिले ना, अरे भाई मैं तो पत्थर को हाथ लगाता हूं सोना हो जाता है, जो डील करता हूं फायदा ही फायदा होता है, जो फैसला करता हूं कमाल का होता है। अभी एक आइटम खरीदी, हर कोई मना कर रहा था, मैंने खरीदी, देखो पैसे बढ़ गए, ये मुझे ऐसा पता है, ये इंसान को मुब्तला करता है तकब्बुर में। अरे तुम्हारी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है, अल्लाह मेहरबानियां कर रहा है और तुम इतराते जा रहे हो। होना तो ये चाहिए कि वो अताएं फरमाए तो हम सर और झुकाएं। दुनिया का दस्तूर है, दरख्त पर जब फल लगते हैं ना वो दरख्त झुकता रहता है, झुकता रहता है, जितना फलदार होता है उतना झुकता है, जिसके कांटे लगे होते हैं वो सीधा खड़ा होता है। कामयाबियां मिले ये अल्लाह की अता है, और शुक्र करो और आजजी करो, इतराओ नहीं। सातवां सबब उलमा कहते हैं हुस्नो जमाल। कोई खूबसूरत अल्लाह ने किसी को बनाया, उसके भी स्टाइल अजीब गरीब हो जाते हैं, उसको कोई सांवला आदमी अच्छा नहीं लगता है, कहता यार देखो इसका रंग कैसा है, इसका कद कैसा है, इसका इसका अंदाज कैसा है। तौबा तौबा तौबा, अरे अल्लाह के बंदों, अगर अल्लाह ने तुम्हें अच्छी शक्ल सूरत दी है ना तो अल्लाह का और शुक्र अदा करो।
कि अल्लाह जवाल नेमत से बचाना और मेरे मालिक इधर तो अच्छी शक्ल दे दी, कयामत में भी चमकता चेहरा देना। क्या फायदा ऐसी शक्ल का कि इधर खूबसूरत शक्ल हो और कयामत के दिन चेहरा सियाह हो जाए। अल्लाह उस दिन की खूबसूरती अता फरमाए, उस दिन का चमकता चेहरा अता फरमाए। कितनी प्यारी दुआ हमें इस्लाम सिखाता है, आईना देखो तो दुआ करो अल्लाहुम्मा हसन तखल्की फहसन खुलुकी, ए अल्लाह मेरा चेहरा तो अच्छा बना दिया, मेरे अखलाक भी अच्छे कर दे। ए अल्लाह चेहरा तो अच्छा बनाया, बातिन भी अच्छा कर दे। तो कभी भी अगर अल्लाह ने हुस्न व जमाल दिया है तो तकब्बुर न करना। हमने अच्छे अच्छे चेहरों वालों को बीमारियां लग के चेहरे बिगड़ते देखा, बिस्तर पर पड़ते देखा और जमीन खा गई। नौजवान कैसे कैसे हुए नामवर, बेनिशान कैसे कैसे, उसी दो गज की कब्र में मट्टी के अंदर वो खूबसूरत भी चला जाता है तो इतराना नहीं है। आठवां रीजन और वो है ताकत। आका के पास कैसी ताकत थी और आजजी कैसी थी।